रेनॉल्ट क्विड ईवी। इस गाड़ी को अभी रिसेंटली इंडियन रोड्स पे फुल कैमफ्लॉज रैप के अंदर टेस्ट करते हुए देखा गया है। लेकिन आप में से बहुत लोग बोलेगा कि इस गाड़ी में डीसी का लोगो लगा हुआ है जो कि बेसिकली डैकिया का लोगो है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बोल देता हूँ कि डैकिया और रेनॉल्ट जो है वो सेम कंपनीज ही हैं। डैकिया जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल मतलब बाहर की कंट्रियों में गाड़ियाँ बेचता है, लेकिन इंडिया में रेनॉल्ट गाड़ियाँ बेचता है वही सेम। तो अल्टीमेट वही हुआ कि रेनॉल्ट क्विड को ही टेस्ट करते हुए देखा गया है ईवी वर्जन के साथ में, जहाँ पर इस गाड़ी का आप लोग स्पाइस शॉट्स भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इस गाड़ी को बहुत सारे अपडेट्स के साथ साथ से इंडियन मार्केट पर लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर इस गाड़ी का फ्रंट में साथ से एलईडी डीआरएस दिया जाएगा एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह के साथ में, रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह देखने को मिल सकता है एलईडी में। इसके अलावा इस गाड़ी का इंटीरियर का भी जो स्पाइस शॉट हमारे सामने आया है वहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, 10 इंचेस का एक फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन शायद से वो इंडिया में इतना ज़्यादा बड़ा टच स्क्रीन इस गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, छोटा मिल सकता है, जो भी बात है। बाकी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेनॉल्ट क्विड ईवी के साथ में आपको 26.8 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक देखने को मिल सकता है इंडिया में, जिसके साथ आपको लगभग 200 किमी तक का रेंज ऑफर किया जा सकता है। बाकी इस गाड़ी में आपको लगभग 44 bhp का अराउंड पावर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी सब कुछ अभी एक्सपेक्टेशन ही है। इस गाड़ी को अभी एक बार ही टेस्ट करते हुए देखा गया है इंडियन रोड्स पे, जो कि बेसिकली कुछ अलग पर्पज से भी हो सकता है और इस गाड़ी को लॉन्च करने का पर्पज से भी हो सकता है। बाकी इन फ्यूचर देखा जाएगा क्या होता है। आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स कर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी क्या भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।